राहिल, मैं पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम और पूरे पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ। इन्होंने हमें हाई कोर्ट में 22 तारीख यानी कल की इजाजत दी थी बाहर में डीजी रोड पे जलसा करने की। अभी मुझे डीसी ने कॉल किया है 4:45 कि हमने वो एनओसी कैंसिल कर दिया। मैं पूरी जलसा कमेटी की तरफ से, हमारे एडिशनल मर्ची जनरल सेक्रेटरी फिरोजी नकवी साहब यहाँ पे मौजूद है, नई कजोता साहब मौजूद है, हमारे शेख शाहीन साहब सीनियर रहनुमा मौजूद है। मैं पूरी जलसा कमेटी की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, आप एनओसी कैंसिल कर सकते हैं, हम जलसा कैंसिल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कल तरनोल में शाम 4 बजे पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम निकलेगी, हम इंशाल्लाह जलसा करेंगे। मैंने कल भी ऐलान किया था, हमें गिरफ्तार करना है कर लो, हमें मारना है मार दो, जेल भेजना है भेज दो, पर्चे देने हैं दे दो। कल 22 अगस्त शाम 4 बजे ये पूरी जलसा कमेटी का, बैरिस्टर गौर हमारे चेयरमैन का, हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी का और पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, सारी क्यादत का ये ऐलान है कि कल 4 बजे 22 अगस्त शाम को इंशाल्लाह तरनोल चौक में जलसा होगा, जिसको हमारे CMKP के अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। हम सुबह हाईकोर्ट दोबारा जा रहे हैं, हम दोबारा हाईकोर्ट को बताने जा रहे हैं कि एक बार फिर इस इंतजामिया ने हाईकोर्ट के अहकाम को अपने पांव थले रौंदा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एनओसी कैंसिल हो सकता है, जलसा कैंसिल नहीं होगा, इंशाल्लाह हर हाल में जलसा होगा। इंशाल्लाह। पाकिस्तान।